नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारतीय क्रिकेट टीम का बीते सोमवार ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए ऐलान किया गया और इस ऐलान के बाद एक ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई जिसमें काफी चीजें जो हैं वो हैरान कर देने वाली थी। केएल राहुल को वाइस कैप्टन बनाना, ऋषभ पंत को बाहर करना और खासतौर पर रोहित शर्मा को बाहर करने के फैसले को लेकर तमाम तरीके की सुर्खियां जो है वो बनी। दरअसल आपको बता दें कि रोहित शर्मा जो है वो टीम के उपकप्तान तो हैं ही, लेकिन अब उनको उपकप्तानी से भी हटा दिया गया है। यानी कि उनकी इंजरी को लेकर जो बात कही थी बीसीसीआई ने कि नहीं, रोहित शर्मा की इंजरी कंफर्टेबली मॉनिटर हो रही है, कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रही है और अगर ऐसा होगा तो वो टीम में जुड़ सकते हैं। लेकिन जब आपने वाइस कैप्टन का ही ऐलान कर दिया है तो दैट मींस कि रोहित शर्मा के साथ अनफेयर हो गया। अगर वो टीम में जुड़ते भी हैं तो ही विल नॉट बी द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ही आपने टीम अनाउंस की उसके बाद मुंबई इंडियंस ने एक तस्वीर साझा कर दी जिसमें रोहित शर्मा प्रैक्टिस करते नजर आ रहे थे और वो अपना फुल फ्लो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ जो गलत हुआ है इसको लेकर दिग्गज भी ये बात कह रहे हैं कि एटलीस्ट थिंग शुड बी क्लियर, बीसीसीआई को ये बात बतानी चाहिए। क्या यहां पर विराट कोहली और रवि शास्त्री की टीम यहां पर बन रही है? क्या वो अब फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर रोहित शर्मा को वो कंसिडर ही नहीं करना चाहते हैं? केएल राहुल के रूप में आपको एक अच्छा खिलाड़ी मिला है, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि केएल राहुल फिलहाल रोहित शर्मा से बड़े हो गए हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस रही है, और देखिए टू बी ऑनेस्ट अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिहाज से देखें तो रोहित शर्मा इज बेटर कैप्टन देन विराट कोहली, ये बात कई बार डिबेट में भी आ चुकी है और ये बात लोग कहते भी हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो रोहित शर्मा को बाहर करने का देयर इज नो पॉइंट। और अगर आप चाहते हैं कि भाई रोहित शर्मा 3 महीने के लिए बाहर हो जाए और कोई अगर अच्छा टूर किसी खिलाड़ी का निकल गया तो क्या फिर आप रोहित शर्मा को दोबारा टीम में वापस नहीं लाएंगे? तो ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बीसीसीआई को देने होंगे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं। कई व्यूअर्स ने मुझे भी यहां पर कमेंट किया कि सर कम से कम रोहित शर्मा का जो स्टैंड है वो क्लियर होना चाहिए, और बहुत लोगों ने मैसेजेस किए हैं। तो ये बात तो तय है कि भाई रोहित शर्मा के साथ कुछ ना कुछ तो अनफेयर हुआ है और उस चीज को फेयर करने के लिए यहां पर बीसीसीआई को स्टैंड लेना होगा। नहीं तो वही एमएसके प्रसाद वाली टोली वाला हाल होगा, जैसे एमएस धोनी कमबैक करना चाह रहे थे तो टीम मैनेजमेंट आगे बढ़ चुका था। तो एटलीस्ट थिंग शुड बी क्लियर, आप रोहित शर्मा से बता दीजिए, आप खिलाड़ियों को खुद भी बताना चाहिए। जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, वीरेंद्र सहवाग ये बात कह रहे थे, अजय जडेजा साहब ने भी बात कही कि भाई आपको भी अपनी बात क्लियर रखनी होगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से यहां पर भारतीय टीम का आगे वर्चस्व चलता है। एमएस धोनी का एरा खत्म हो चुका है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ जो अनफेयर हो रहा है वो बहुत गलत है। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले को लेकर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।